आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन स्वागत करते हैं पहली बड़ी खबर से। तो रिलायंस जियो भारत में लॉन्च करेगी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस, सरकार से मिली है मंजूरी। मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो जल्दी भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस लॉन्च करने वाली है। न्यूज एजेंसी रिटायर्स के मुताबिक जियो ने जो है लगेज मार्बर्ग की कंपनी जो है उसे SES के साथ मिलकर जो है देश में गीगाबाइट स्पीड का फाइबर इंटरनेट देने की योजना बनाई है। इसके लिए केंद्र सरकार से मंजूरी भी मिल गई है। ऐसे में अब देश के कोने कोने में और हर मौसम में जो है हाई स्पीड इंटरनेट अब मिलेगा। वही ऑबर्ट कनेक्ट इंडिया को 3 अप्रूवल जारी यहाँ पर की गई है, जो सैटेलाइट के जरिए हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस देना चाहते हैं, यानी वो चाहती है। जैसे जोस बोजेस की अमेजोन और एलन मस्क की स्टारलिंक जैसे कई कंपनियां भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस प्रदान करने की मंजूरी के लिए जो है भी फिलहाल इंतजार में हैं। बाद अब कहते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, शिक्षक भर्ती में महिलाओं को 50% आरक्षण, आधी आबादी के लिए राजस्थान में बड़ा फैसला। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल ने जो है राज्य में महिलाओं के हित में बड़ा फैसला लिया। दरअसल इस फैसले के तहत थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती में महिलाओं की जो हिस्सेदारी जो है वह 50% होगी। वही शुक्रवार को इस संबंध में जो आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब तक थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती में महिलाओं को महज 30% आरक्षण मिल रहा था, इसे राजस्थान सरकार ने 20% बढ़ाकर 50% कर दिया है। इसी के साथ राज्य सरकार ने फैसले को लागू करने के लिए राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए सरकार की ओर से मंजूरी भी दे दी गई है। बता दें आपको कि लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान के मुख्यमंत्री बद्रीनाथ शर्मा ने राज्य की आधी आबादी के लिए कई दावे वादे यहां पर किए थे। इसमें शिक्षक भर्ती में 50% आरक्षण का मामला भी शामिल था। अब चुनाव खत्म होने के साथ ही मुख्यमंत्री बद्रीनाथ शर्मा ने ताबड़तोड़ फैसला लेना शुरू कर दिया है। हालांकि मुख्यमंत्री बद्रीनाथ शर्मा ने किसानों को जो PM किसान संबंधी योजना के तहत मिलने वाले पैसे जो थे उसमें 2,000 रुपये की बढ़ोतरी की और सालाना यहाँ पर 8,000 रुपये उसे कर दिया। वही अगला फैसला महिलाओं के लिए जो है ये लिया गया है। राजस्थान सरकार के मुताबिक शिक्षा विभाग में इस समय थर्ड ग्रेड शिक्षकों के 29,272 पद खाली है। इन पदों पर जल्दी नियुक्ति होने वाली है। इस संबंध में पूरी जानकारी शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर अपडेट कर दी गई है। ऐसे में मौके पर यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय से शिक्षक बनने की पात्रता रखने वाली महिलाओं में खुशी की लहर है। इसे फैसले से जो है निकट भविष्य में करीब 15 महिलाओं को सरकारी नौकरी मिलने की यहाँ पर जो यहाँ पर उम्मीद जो है वो यहाँ पर हो गई है। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अग्निवीर योजना में बड़े बदलाव की तैयारी में है मोदी सरकार, रिव्यू से लेकर भर्ती तक के बदल सकती है नियम। भारतीय सेना में अब जवानों की भर्ती अग्निपथ स्कीम के जरिए यहाँ पर भारतीय सेना में जो है वो करती है। लेकिन लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने अग्निवीर योजना के मुद्दे पर जोरों शोरों से जनता के बीच इसे उठाया था। इतना ही नहीं, जब BJP ने सरकार बनी तो उसके सहयोगी दल ने भी जो है अग्निपथ स्कीम में बदलाव की मांग की है। वही जिस दिन से स्कीम को लागू किया गया तब से ये बात रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी कही गई थी कि समय समय पर इसको जो है रिव्यू जो है वो किया जाएगा, वे अगर कोई परिवर्तन करना हो तो उसे भी यहाँ पर किया जाएगा। वही अग्निपथ स्कीम को लागू हुए अभी जो है डेढ़ साल से भी ज़्यादा का टाइम हो गया है। वही इन 1.5 साल में जो स्कीम को रिव्यू जो है वो किया जा रहा है। वह सूत्रों की माने तो जो DMA जो है डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, उसने तीनों सेनाओं से इस पर रिपोर्ट जो है यहाँ पर मांगी है। वह सूत्रों की माने तो 4 साल के कार्यकाल को बढ़ाने और ज़्यादा भर्ती और 25% रिटेंशन की सीमा को बढ़ाने की बात भी जो है वो की जा रही है। लेकिन यह कितना होगा, कितनी होगी, अब इस पर यहाँ पर कोई नहीं कहा जा सकता है, यानी कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसके अलावा ट्रेनिंग और ड्यूटी पर किस अग्निवीर की मौत या फिर गैर होने की सूरत में परिवार को आर्थिक सहायता दी जाने को लेकर भी जो है इसके ऊपर सरकार जो है मंथन जो है वो कर रही है। वह इतने नए रेगुलर सेना के जवानों और अग्निवीरों को मिलने वाली छुट्टियों के अंतर में बदलाव किया जा सकता है। मसलन सामान्य सोल्जर को साल में 90 दिन की छुट्टी मिलती है, अग्निवीरों को साल में सिर्फ 30 दिन की छुट्टी मिलती है। यानी 30 दिन की अभी जो है अग्निवीरों को पहले बैच को आउट होने से 2.5 साल, अभी सब फिलहाल जो है 2.5 साल का समय है। तो अगर किसी तरह का कोई बदलाव किया जाता है तो पहले बैच के आउट होने से पहले ही यहाँ पर कर दिया जाए ताकि उसका फायदा जो है मतलब इसका जो फायदा जो पहले बैच के अग्निवीर को भी मिल सके। तो ये बड़ी खबर जो है फिलहाल निकल के सामने आ रही है। बात अब कहते हैं अगली बड़ी खबर की। तो सरकार के पास गेहूँ का पर्याप्त स्टॉक, आयात शुल्क में बदलाव की फिलहाल नहीं है कोई भी योजना। सरकार ने जो है
यहाँ पर खाद्यान्न की बढ़ती कीमतों और महंगाई को नियंत्रण के लिए सरकार जो है उसके ऊपर फिलहाल जो पैन नजर रख रही है। सरकार की ओर से आश्वासित किया गया है कि घरेलू और जरूरतों को पूरा करने और कीमतों को स्थिर रखने के लिए गेहूं समेत अन्य अनाजों का पर्याप्त भंडार है। जरूरत पड़ी तो बाजार में हस्तक्षेप के लिए भी सरकार तैयार है। वही सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि अभी उसका गेहूं का आयात शुल्क में कोई बदलाव का इरादा नहीं है। उपभोक्ता मामले के खाद्य एवं वितरण मंत्रालय ने जो है इस बारे में बयान जारी कर कहा है कि गेहूं का जो बाजार मूल्य है उसके ऊपर बारीकी से नजर रखी जा रही है। वही सुनिश्चित किया जा रहा है कि जमाखोरी ना हो और कीमतें स्थिर रहे। बात अब कहते हैं अगली बड़ी खबर की, तो अगली बड़ी खबर देखिए, पंजाब की बसों में अभी ये लोग भी कर सकेंगे फ्री यात्रा। भगवंत मान सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। पंजाब में अब दृष्टि बाधित हैं अंधे लोगों को भी जो है औपचारिक रूप में मुफ्त यात्रा का लाभ जो है मिलेगा। अधिकारियों ने जो है ये जानकारी जो है दी है। वह आधिकारिक बयान में कहा गया है कि पंजाब सरकार के इस निर्णय से जो दृष्टि बाधित जो है समुदाय जो है उनके लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हो गई है। बयान में कहा गया है कि ये फैसला जो है दिव्यांगजनों की मदद के लिए जो है सरकार की ओर से, यहाँ पर दिव्यांगजनों की मदद के लिए सरकार का जो प्रतिबद्धता जो है उसको दर्शाता है। बता दें आपको ये घोषणा वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने जो है सामाजिक सुरक्षा महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर की बैठक के बाद की घोषणा की है। वह इस बैठक में विशेष मुख्य सचिव भी यहाँ पर मौजूद रहे और महिला एवं बाल विकास राजपी श्रीवास्तवा और महिला बाल विकास विभाग के डायरेक्टर सेना अग्रवाल और प्रमुख सचिव जो है अजय कुमार सिन्हा समेत कई लोग जो है इस दौरान मौजूद रहे। इससे पहले पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने छात्रों के हित में भी बड़ा फैसला लिया था। सरकार की तरफ से घोषणा की गई थी कि सरकार मेडिकल इंजीनियरिंग लॉ प्रवेश परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग जो है पंजाब के अंदर करवाएगी। तो ये कुछ राहत वाली खबरें जो है फिलहाल पंजाब से निकल के सामने आ रही है। तो पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला जो है वो लिया है। इसमें अब दृष्टि बाधित लोग जो है फ्री में बस में सफर पंजाब के अंदर कर पाएंगे। भगवंत मान सरकार ने जो है ये बड़ा फैसला लिया है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें। चैनल पे आप नए हैं, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि रोजाना आपको ऐसी ही काम की खबरें जो है वो मिलती रहे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।